शनि की कुदृष्टि से बचना है तो जीवन में कभी भी ना करें ये पांच, वरना हो जाएंगे आप कंगाल। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है और जब भी शनि की महादशा या फिर साढ़े साथी किसी राशि पर चलती है तो उस राशि के जातक काफी परेशान रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शनिदेव सभी को कष्ट नहीं देते हैं। शनिदेव सिर्फ उन्हीं लोगों को कष्ट देते हैं जिनके कर्म बुरे होते हैं। वहीं जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि शनिदेव आखिर किन कर्मों की सजा देते हैं और शनि की कुदृष्टि आप पर ना पड़े इसके लिए आपको किन कामों से बचकर रहना चाहिए और भूल कर भी नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब भी शनि की अशुभ छाया किस पर पड़ी है तो उसे हर कदम पर असफलता और कष्ट ही मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से कार्य है जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य ही लिखें। शास्त्रों के अनुसार जो लोग बेजुबान जानवरों को सताते हैं या उन्हें मारते हैं ऐसे लोगों पर शनिदेव हमेशा नाराज ही रहते हैं और अपनी कुदृष्टि डालते हैं जिससे व्यक्ति को शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। बता दे कि बेजुबान जानवरों में कुत्तों को खासकर हमें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी माता को या फिर किसी बड़े बुजुर्ग को अपशब्द कहता है या उनका अपमान करता है तो ऐसे लोगों को शनि का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। इन लोगों को आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती है और शनिदेव इन्हें कंगाल भी बना सकते हैं। इसलिए माँ और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए कभी भी मदिरा तामसिक भोजन करने से हमें बचना चाहिए। लेकिन अगर आप सेवन करते हैं तो अमावस्या या शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ऐसा करने वालों को शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर जब शनि की महादशा पड़ती है तो उन्हें मृत्यु समान कष्ट झेलना पड़ता है। जो लोग गंदगी फैलाते हैं और गंदगी में रहते हैं ऐसे लोगों को शनिदेव का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिलता और शनि की अशुभ छाया की वजह से ऐसे लोग बीमारी, कष्ट, पैसों की तंगी और काफ़ी असफलताएं झेलते हैं। शनिदेव बुरे कर्म करने वाले जैसे छल, कपट, चोरी से झूठ फरेब करने वालों को दंडित करते हैं। इसके साथ ही अपने हित के लिए गरीब व असहाय को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले को कभी भी शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा सही रखें, वरना शनि की कुदृष्टि के कारण आपका बुरा समय शुरू हो सकता है। तो दोस्तों ये थे वो काम जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए ताकि शनिदेव की कुदृष्टि हम पर ना पड़े। आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।